फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की जब भी बात आती है तो हम हमेशा सैमसंग को याद करते हैं, लेकिन सैमसंग को कम्पीट करने के लिए बहुत सी ऐसी टेक कंपनीज हैं जो नए नए अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स लेकर आ रहे हैं। और इसी लाइन में अब वीवो जल्दी इंडिया में अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन्स लाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे लेकर कंपनी ने एक नया टीजर भी ऑफिशियल कर दिया है। और ये होगा वीवो एक्स फोल्ड 3 प्रो, जो कि सैमसंग के लेटेस्ट फोल्डेबल फोन्स के साथ कम्पीट करेगा। अब देखना ये है कि इस फोन में क्या क्या नया खास मिलने वाला है, इसका डिजाइन कैसा होगा, तो जान लेते हैं इस फोन के बारे में सब कुछ। सो वीवो का जो पहला फोल्डेबल डिवाइस है जिसे भारत में लॉन्च किया जा रहा है, हाँ मैं सबसे बड़ा अपग्रेड ये भी दे देती हूँ कि ये वीवो का पहला फोल्डेबल फ़ोन होगा जिसे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। सो इसके लिए वीवो ने एक नई माइक्रोसाइट तैयार की है, जिसे फ्लिपकार्ट पर टीज किया गया है, और इस अपकमिंग स्मार्टफोन इमेज के साथ कमिंग सून का एक मैसेज भी देखा गया है। सो फ्लिपकार्ट के टीजर में जो अपकमिंग फोल्डेबल डिवाइस दिखाई गई है उसमें कुछ फीचर्स को रिवील भी कर दिया है कंपनी ने। तो इस फोन में आपको ज़ाइस का एक नया कैमरा लेंस देखने के लिए मिल सकता है, जो कि इसके बैक पैनल में होगा, यानी कि रेयर में मिलेगा। और इसके साथ ही वीवो एक्स फोल्ड 3 प्रो के ऑफिशियल टीजर को भारत के सर्टिफिकेशन साइट BIS पर भी स्पॉट किया गया है। तो आप ये देखिए कि बहुत सारे जगह ऑफिशियल हो चुका है, यानी कि फ़ोन तो इंडिया में लॉन्च होने ही वाला है, और सैमसंग की अभी काफ़ी पॉपुलैरिटी है इंडिया में फोल्डेबल फ़ोन मार्केट में। सो वीवो जब अपना पहला फोल्डेबल फ़ोन लेकर आएगा तो इससे सैमसंग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और बेस्ट पार्ट ये है कि इसे चाइना में तो लॉन्च किया ही जा चुका है, अब देखना है कि इंडिया में फीचर्स और क्या क्या मिलेंगे। सो आप बिलीव नहीं करेंगे, इस फ़ोन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे चाइना में 9,999 yuan के प्राइस पर लॉन्च किया है, जो कि इंडियन प्राइस में आप कन्वर्ट करते हैं तो 1,17,000 तक का प्राइस जाता है, तो 1,00,000 से ज़्यादा महंगा स्मार्टफोन है। हालांकि जितने भी अब स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, जितने भी फोल्डेबल फ़ोन्स हैं, वो 1,00,000 से ज़्यादा ही प्राइस पॉइंट पे आते हैं। हालांकि ये वीवो का फ्लैगशिप फ़ोन होगा तो इसमें फीचर्स भी वैसे ही मिलेंगे। सो इस अपकमिंग फोल्डेबल फ़ोन में आपको 8.03 इंच का एक LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जिसमें हाईएस्ट स्क्रीन रिजोल्यूशन मिलेगा, 120 हर्ट्ज़ का वेरिएबल रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल सकता है, साथ ही 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल सकती है। सो ये जो मैंने आपको डिस्प्ले बनाया ये इनर डिस्प्ले था, इसके अलावा इसमें 6.53 इंच का एक आउटर एमुलेट डिस्प्ले मिलेगा। सो दोनों ही डिस्प्लेज के फीचर्स काफ़ी अमेजिंग लग रहे हैं सुनने में। इसके अलावा ये फ़ोन आएगा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जो कि होगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट। तो अच्छी चीज़ ये भी है कि इसको कम्पीट करने में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सैमसंग के जो फोल्डेबल फ़ोन्स हैं उन्हें भी इसी चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया था। सो दोनों ही फ़ोन्स परफॉर्मेंस वाइज तो दमदार हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या वीवो का जो फोल्डेबल फ़ोन है वो देखने में स्लिम होगा, क्योंकि मोस्टली जितने भी फोल्डेबल फ़ोन्स हैं उसे लेकर यूज़र्स की डिमांड होती है कि लाइट वेट हो और फ़ोन्स पतले हों। तो अगर वीवो एक स्लिम फोल्डेबल फ़ोन लाती है तो कम्पीट करने में ज़्यादा आसानी होगी, और साथ ही इसमें आपको 16GB तक का रैम सपोर्ट, 1TB तक का स्टोरेज सपोर्ट मिल सकता है। तो ये वो फीचर्स हैं जो वीवो के अपकमिंग फोल्डेबल फ़ोन को लेकर रिवील हो चुके हैं, और अब ये देखना है कि डिज़ाइन एक्चुअली में ऑफिशियली कैसा होगा और क्या बेटर फीचर्स मिलेंगे अंदर, जो कि इसको अलग बनाएंगे दूसरे फोल्डेबल फ़ोन से। सो वीवो के इस नए फोल्डेबल फ़ोन को लेकर आपके पास भी कोई लेटेस्ट अपडेट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अपना एक ओपिनियन भी दे, क्या ये सैमसंग के साथ कम्पीट कर पाएगा, क्या इंडिया जैसे मार्केट में ये अपनी एक बेटर जो डिमांड है उसको क्रिएट कर पाएगा। सो ये ओपिनियन भी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही वीवो लवर्स और फोल्डेबल स्मार्टफोन लवर्स के साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक भी करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।